और इस बीच इधर रूस लगातार यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने सहयोगी देशों से रूस पर और दबाव डालने की अपील की। जिसके बाद जेलेंस्की ने देश के नाम संबोधन में कहा कि रूस लगातार यूक्रेन के कई शहरों में आम लोगों पर गोलाबारी कर रहा है। दरअसल पश्चिमी मीडिया का दावा था कि नेटो देशों से मिले हथियारों के दम पर जेलेंस्की की सेना न सिर्फ बखमूत बल्कि ज़ापोरिज़िया और खरसोन में भी रूसी फौज को पीछे धकेल चुकी है, लेकिन जेलेंस्की के बयान से साफ हो गया कि रूस के हमलों के आगे जेलेंस्की बेबस हैं। उधर रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ हमला बोल दिया। यूक्रेन पर बीती रात शुरू हुई एयर स्ट्राइक सुबह तक जारी रही। रात भर यूक्रेन के कई शहर आग में जलते रहे। यूक्रेन के ओडेसा में हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें शहर के बीचों बीच कई विस्फोट होते हुए दिखाई दिए, जिन्हें कई किलोमीटर दूर से भी साफ देखा जा सकता था। इसके बाद वहां काफी देर तक धुआं उठता नजर आया। यूक्रेन का दावा है कि ओडेसा में 10 बार धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। कई घंटों तक यूक्रेन के कई शहर धमाकों और सायरन की आवाज़ से गूंजते रहे। कीव में तो लोगों से बंकरों में छिपने की अपील की गई ताकि वो रूस के ताबड़तोड़ हमलों से बच सके। और उधर वैगनर ग्रुप का दावा है कि बखमूत में लड़ाके लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया कि उसने बखमूत को रूस से छीन लिया है, वहीं वो ये भी मान रहा है कि रूस की सेना बखमूत में मौजूद है और जवाबी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ रही है। मतलब ये कि बखमूत पर अभी भी किसी एक पक्ष का कब्जा नहीं हो पाया है। रूस किसी भी कीमत पर बखमूत चाहता है। उधर यूक्रेन भी वहां से पीछे नहीं हट रहा। उधर पुतिन की प्राइवेट आर्मी के लड़ाके भी बखमूत पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया कि वो बखमूत पर करीब 12 किलोमीटर अंदर जा चुका है, जो कि रूस का बखमूत हथियाने का प्लान फेल कर सकता है। हालांकि पुतिन की आर्मी बखमूत से पीछे नहीं हटी है, ये जानकारी खुद यूक्रेन ने दी। और यूक्रेन के निकोलेव पर मिसाइलों की बारिश कर वहां भयंकर तबाही मचा दी। यूक्रेन का आरोप है कि पुतिन की फौज ने देर रात शहर के अलग अलग इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। और मिसाइलों के हमले में निकोलेव शहर में मौजूद एक शॉपिंग मॉल पूरी तरह तबाह हो गया। यूक्रेन की तरफ से इस हमले के बाद का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें फायर ब्रिगेड के कुछ जवान ध्वस्त हो चुकी इमारत में लगी आग पर पानी की बौछार करते दिखाई दिए। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सेना के इस हमले में न सिर्फ ये शॉपिंग मॉल बल्कि वहाँ कई दूसरी इमारतें भी जमींदोज हो गई। वहाँ से आई एक दूसरी तस्वीर में हमले के बाद एक इमारत के परखच्चे उड़ गए। और उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन के वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरफ ने जेलेंस्की की सेना को खुली धमकी दे दी। पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कादिरफ ने दो टूक कह दिया कि रूस के T-72 टैंक यूक्रेन के एब्रम टैंकों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और जंग के मैदान में उन्हें पूरी तरह रौंद डालेंगे। हाल ही में अमेरिका ने घोषणा की थी कि यूक्रेन के सैनिकों को एब्रम्स के अपग्रेडेड वर्जन की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बाद एब्रम टैंकों पर रमजान कादिरफ का ये बयान आ गया। पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कादिरफ ने अमेरिका से यूक्रेन को मिले एब्रम टैंकों को बच्चों की पैडल कार बता दिया। रमजान कादिरफ रूस के जिस T-72 टैंक के दम पर यूक्रेन की सेना को धमका रहे हैं, उससे एक बार में एक साथ 300 गोलियां फायर होती हैं और 1.5 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन पर सटीक निशाना लगाकर उसे ढेर किया जा सकता है। हालांकि युद्ध के दौरान यूक्रेन के सैनिकों ने एब्रम टैंकों से रूस के बाहुबली T-72 टैंकों को करारा जवाब दिया। इस बीच रूस से जारी भीषण जंग में यूक्रेन के जवान जुगाड़ के ड्रोन से काम चलाते दिखाई दिए। यूक्रेन के सैनिक ड्रोन में बदलाव कर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि रूस के जवानों को ढूंढकर उन्हें मौत की नींद सुलाई जा सके। यूक्रेन के सैनिक कैसे जुगाड़ के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक जवान एक ड्रोन पर विस्फोटक बांधता नजर आया। विस्फोटक बांधने के बाद उसने उस ड्रोन को आसमान में उड़ा दिया, जिसके कुछ ही देर बाद अलग अलग जगहों पर धमाके होते दिखाई दिए। बताया गया कि इसी तरह से यूक्रेन की सेना जुगाड़ के ड्रोन का रूसी फौज पर हमले के लिए इस्तेमाल कर रही है। उधर रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग ने कई देशों के सामने भुखमरी के हालात बना दिए और अब संयुक्त राष्ट्र ने उन देशों तक अनाज पहुंचाने के लिए रूस के सामने एक समझौते का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत ब्लैक सी के जरिए उन देशों तक अनाज की सप्लाई हो सके जहां रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से भुखमरी के हालात बन गए हैं। पहले भी संयुक्त राष्ट्र और तुर्की ने मिलकर मध्यस्थता करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश परवान नहीं चढ़ सकी और अब अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों में हालात बिगड़ने लगे हैं, क्योंकि ये इलाके पूरी तरह से यूक्रेन से आने वाले अनाज और खाने के सामान पर निर्भर है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर रूस ने जवाब देने के लिए 18 मई तक वक्त मांगा है। और इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पिछले 15 महीने से जारी जंग की वजह से यूक्रेन को इतना नुकसान हो चुका है कि उसकी भरपाई के लिए उसे $25,000 यानी भारतीय रुपयों में 20 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि पिछले साल से जारी जंग की वजह से यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, उसकी कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। इस युद्ध ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पर इतनी तगड़ी चोट की है कि उससे उबरने के लिए जेलेंस्की को बहुत बड़ी रकम की जरूरत पड़ सकती है।
यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में जिस तरह की तबाही हुई है उससे निकलने में उसे 25 साल से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है, क्योंकि पुतिन की सेना के हमलों में अब तक यूक्रेन की राजधानी कीव समेत खार्किव, ज़ापोरिजिया जैसे कई बड़े शहर तबाह हो चुके हैं। और इस बीच यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया कि जल्द यूक्रेन को पश्चिमी देशों से कई F-16 लड़ाकू विमान मिल सकते हैं, जिसके मिलने से यूक्रेन की सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ज़ेलेंस्की लगातार पश्चिमी देशों से लड़ाकू विमानों की मांग करते आए हैं। यूक्रेन के मुताबिक कई देश उसे अब फाइटर जेट देने के लिए तैयार भी हो गए। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने उम्मीद जताई कि पश्चिमी देशों से उन्हें करीब 50 F-16 लड़ाकू विमान मिल सकते हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बीते कुछ महीनों में रूसी सेना ने यूक्रेन पर आसमानी हमले तेज किए हैं। बताया गया कि अब इसलिए पश्चिमी देशों ने भी यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों को भेजने का मन बना लिया। इस बीच ब्रिटेन की मीडिया ने दावा किया कि रूस अपने सैनिकों को टॉर्चर कर रहा है, वो उन्हें अमानवीय यातनाएं दे रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के एक बयान में दावा किया गया कि रूस अपने सैनिकों को सजा देने और अनुशासन सिखाने के लिए उन्हें सता रहा है और अपने सैनिकों को जमीन में बनी सुरंगों में कैद कर रहा है। ब्रिटेन ने दावा किया कि ये सुरंगें मेटल ग्रिल से ढकी होती हैं, यानी रूस पर आरोप लगा कि उसके सैनिकों को अनुशासन और सजा के नाम पर जमीन की सुरंगों में कैद करके टॉर्चर किया गया। ब्रिटेन ने दावा किया कि पुतिन ने ये सब बौखलाहट में करना शुरू किया क्योंकि वो नहीं जानते यूक्रेन में वो जीतेंगे या नहीं, और इसलिए वो अपना सारा गुस्सा सैनिकों पर निकाल रहे हैं, क्योंकि पहले उन्होंने रूस के सैनिकों पर परिवार से मिलने पर पाबंदी लगाई और अब उन्हें सुरंगों में रखा जा रहा है। उधर अमेरिकी अखबार न्यूज़वीक ने दावा किया कि पुतिन ने रूसी सेना के बड़े अधिकारियों की नौकरी छोड़ने पर पाबंदी लगा दी, मतलब ये कि रूस की सेना में मौजूद अधिकारी अब अपनी मर्जी से नौकरी तक नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूसी सेना के कई बड़े अधिकारी अपने पद से इस्तीफा देना चाहते थे। हालांकि उस दौरान किसी तरह से सेना के अफसरों को मना लिया गया था, लेकिन अब अमेरिकी अखबार न्यूज़वीक का दावा है कि जंग लंबी खिंचने की वजह से रूसी सेना के अधिकारी थक चुके हैं और वो युद्ध से बचने के लिए सेना की नौकरी छोड़ना चाहते हैं। इसलिए पुतिन ने सेना के बड़े अधिकारियों के इस्तीफा देने पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि पुतिन को इस बात का डर सताने लगा है कि अगर एक साथ बड़े अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया तो उनकी सेना में विद्रोह हो जाएगा, जिससे पुतिन के सामने यूक्रेन जंग हारने का खतरा मंडराने लगेगा। पाकिस्तान के लाहौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लाहौर में इमरान के घर कमांडो ऑपरेशन अब शुरू ही होने वाला है। किसी भी वक्त कमांडो को ग्रीन सिग्नल मिलते ही ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। इमरान के बंगले के अंदर 40 आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला था और ये ऑपरेशन कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। कल इसे लेकर इमरान खान को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, जो कि वक्त अब पूरा हो चुका है, मियाद खत्म हो चुकी है। अल्टीमेटम में कहा गया था कि इमरान अपने घर में छिपे हुए आतंकियों का खुद से सरेंडर कराएं। और इस वक्त एक एक करके अब हम वहां से ताजा तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर वो वक्त बिल्कुल करीब है जब वहां पे ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है, यानी जो 24 घंटे का अल्टीमेटम, वो 24 घंटे का अल्टीमेटम इमरान खान ने पूरा कर लिया, लेकिन आतंकियों के बारे में कुछ